बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा आज मिलन समारोह के आयोजन में शिरकत करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें जो है पुरानी बातें ताज़ा की और उन्होंने बताया कि जब वो 2012 में जो है दलित सेना के जो है उपाध्यक्ष थे उस दौरान किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने मित्रों के बारे में बताया कि जो मित्र आज हमारे शामिल हो रहे हैं हम पार्टी को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में, उनकी बातों को भी बताया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के लिए लगातार संघर्षशील रहे लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने उन्हें उस प्रकार का सम्मान नहीं दिया है, लेकिन आज ये जनता दल यूनाइटेड में जुड़ने के लिए हैं। आइए सुनते हैं कि रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा है। और यहाँ बैठे संसदीय कार्य मंत्री श्री विजयबाब की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश सिंह चौहान की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री जना जवाहर खान की ओर से और सुश्री मंत्री लेखी सिंह की ओर से और साथ में हमारे गार्जन संजय राम जी और तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा कि नीतीश कुमार जो कि दलित हितैषी हैं, दलितों के लिए सोचने वाले हैं, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में अगर बिहार का नेतृत्व अगर हो रहा है तो देश का भी नेतृत्व संभव है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के लेकर के ये कहा कि जो लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलन समारोह के दौरान तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के नीतियों से प्रेरित हैं, इसी वजह से ये आज जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।